दोस्तों, जब हम छोटे थे तो कार्टून नेटवर्क हम सबका फेवरेट चैनल हुआ करता था। हम जब भी इसको देखते थे तो जब तक हमें डांट नहीं पड़ते थे तब तक हम इस चैनल से हटते ही नहीं थे। वाकई में दोस्तों, क्या दिन थे वो। आज हम आपको कुछ देर के लिए उन्हें दिनों की याद दिलाने वाले हैं और उन टॉप 15 कार्टून्स के बारे में बताने वाले हैं जो उन दिनों हम सबके फेवरेट्स हुआ करते थे। आपका फेवरेट कार्टून कौन से नंबर पे है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। द मास्क। दोस्तों, ये एक सुपर हीरो कार्टून था जो कि पूरी तरह से कॉमेडी पर बेस्ड था। इस कार्टून का मेन कैरेक्टर स्टेनली इपकिस है, जो कि एक साधारण सा इंसान है जो बैंक में जॉब करता है, लड़कियों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन लोग उसको अक्सर डराते धमकाते हैं। लेकिन उसके पास एक ऐसा मुखौटा है जिसको पहनते ही वो एक रंगीन मिजाज इंसान बन जाता है, जिसके बाद वो वही चीजें करता है जिनसे वो डरता है। वो खूबसूरत लड़कियों के पास जाता है, उनके साथ डांस करता है, बुरे लोगों को सबक सिखाता है, लेकिन वो उस मुखौटे को अपने आप से दूर करना चाहता है। लेकिन वक्त वक्त पे उसे उस मुखौटे की जरूरत भी पड़ती है। ये कार्टून 1995 से 1997 तक काफी चला, हालांकि बाद में भी कई सालों तक इसके रिपीट एपिसोड्स को कार्टून नेटवर्क पे काफी हाई टीआरपी मिले। जॉनी ब्रावो। दोस्तों, अडल्ट ह्यूमर से भरपूर ये कार्टून भी किड्स को काफी पसंद आता था, स्पेशली मेल किड्स को। इस कार्टून में जॉनी ब्रावो मेन कैरेक्टर है, जिसने काफी अच्छी खासी बॉडी भी बना रखी है। वो अपना ज्यादातर समय दूसरी खूबसूरत लड़कियों को डेट करने और उनको इम्प्रेस करने में ही बिताता है, और लड़कियां भी उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। लेकिन अंत में वो कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे उसका उन खूबसूरत लड़कियों के सामने पोपट हो जाता है। इस कार्टून की कहानी ज्यादातर इसी सिचुएशन के इर्द गिर्द ही घूमते थे। ये कार्टून 1997 से लेकर 2004 तक काफी चला था, और उस दौरान इसको एनी अवार्ड, वन यंग स्टार अवार्ड और 2 गोल्डन रील अवार्ड्स जैसे शानदार अवार्ड्स भी मिले। पोकेमॉन। दोस्तों, इसकी कहानी बताने की शायद हमें आपको जरूरत नहीं है। इसकी कहानी पूरी तरह से ऐश और उसके पोकेमॉन्स पे बेस्ड है, जो पोकेमॉन की प्रतियोगिता जीतकर चैंपियन बनना चाहता है। इसके लिए वो अपने दोस्तों के साथ जंगलों से होकर गुजरता है, जहां उसका सामना अलग अलग पोकेमॉन्स से होता है, जिनमें से कुछ पोकेमॉन्स को वो पकड़ता है और उन्हें अपनी पोकेमॉन्स की टीम में शामिल करता है। हालांकि बीच बीच में टीम रॉकेट उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, जिनको वो हर बार सबक सिखा देता है, और कई बार वो कुछ हेल्पलेस लोगों की मदद भी करने लगता है। ऐसे ही कई ट्विस्ट एंड टर्न से भरे हुए थे पोकेमॉन्स के सभी एपिसोड्स, जिसकी वजह से इसे किड्स ने काफी पसंद किया। पोकेमॉन को ऑफिशियली 1996 में शुरू किया था, जो कि अभी भी जापान में चल रहा है। द रोड रनर शो। दोस्तों, सन 2000 के दौरान ये कार्टून अधिकतर छोटे बच्चों की पसंद हुआ करता था। इस कार्टून में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है रोड रनर, जो सड़क पे सिर्फ भागता ही रहता है, और दूसरा है विली ई कोयोटी, जो कि उसको पकड़ने के लिए नए नए तरीके आजमाता रहता है, लेकिन उसका कोई भी तरीका उसके काम नहीं आता और उल्टा वही अपने उस जाल में फंस जाता है। पोपे द सेलर मैन। दोस्तों, इस कार्टून के बारे में तो आप जानते होंगे। इसमें मेन कैरेक्टर पोपे होता है, जिसकी ऑलिव ऑयल नाम की एक गर्लफ्रेंड होती है, और इन दोनों के बीच में एक ब्लूटो नाम का विलेन होता है। ये पूरा कार्टून कॉमेडी पे बेस्ड था, लेकिन इस कार्टून का विलेन ब्लूटो ज्यादातर पोपे के साथ एक्शन करते हुए ही दिखाई देता था, और जब वो पोपे पे भारी पड़ने लगता था तो पोपे पालक खाकर ब्लूटो की पिटाई करता था और उसकी खूब जमकर रेल बनाता था। ये कार्टून कार्टून नेटवर्क के वन ऑफ द बेस्ट कार्टून में से एक था। स्कूबी डूबी डू। दोस्तों, इस कार्टून में एक टीम होती है जो भूतों को पकड़ती है, लेकिन वो भूत कोई असली के भूत नहीं होते हैं। कुछ करप्टेड लोग होते हैं जो नकली भूत बनकर लोगों की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करना चाहते हैं। इस कार्टून में 2 सबसे मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एक स्कूबी डूबी डू और दूसरा शैगी, जो वैसे तो भूतों से डरते हैं, लेकिन हर एपिसोड के अंत में वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे वो अपनी टीम की मस्ती मस्ती में ही मदद कर बैठते हैं और नकली भूतों का पर्दाफाश कर देते हैं। ये कार्टून एक मिस्टीरियस कार्टून था, जो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था कि साल 2000 से 2004 के दौरान इसके कई स्पेशल शोज बनाने पड़े थे, जिन्हें खास तौर पर वीकेंड पे सुबह 9 बजे कार्टून नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट किया जाता था। बेब्लेड। दोस्तों, जब एक समय में पोकेमॉन की टीआरपी डाउन होने लगी थी, तो बेब्लेड ही एक ऐसा एनिमे था जिसने वापस से कार्टून नेटवर्क की टीआरपी को वहीं लाकर खड़ा कर दिया था। इसकी स्टोरी लाइन बाकी एनिमेज और कार्टून से काफी अलग थे। इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स तब आते थे जब 2 प्रतिद्वंदी आपस में अपने बेब्लेड्स को लड़वाते थे, और इस लड़ाई के दौरान ही उन दोनों बेब्लेड्स में से 2 मिस्टीरियस एनिमल्स निकलते थे, जो आपस में लड़ते थे, और उस लड़ाई में जो एनिमल जीतता था उसका बेब्लेड घूमता रहता था, और अंत में वो बेब्लेड जिसका होता था उसे विजेता मान लिया जाता था। डेक्स्टर्स लैबोरेटरी। दोस्तों, एक समय में ये कार्टून बच्चों की पहली पसंद हुआ करता था। दोपहर में आने वाला ये कार्टून कब हमारी गर्मियों की दोपहरी को काट देता था पता ही नहीं चलता था।
इसमें एक डेक्स्टर नाम का लड़का मेन लीड में था, जिसने अपने माँ बाप से छुपकर अपने ही कमरे में एक ऐसी लैबोरेटरी बना रखी थी जिसमें वो अपने अजीबोगरीब और पावरफुल एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। लेकिन उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि उसकी सिस्टर, जिसका नाम डीडी था, वो उसका सारा काम खराब कर देते थे। 1995 से लेकर 2003 तक ये कार्टून काफी सक्सेसफुल रहा। करेज द कार्डली डॉग। दोस्तों, ये एक हॉरर कॉमेडी शो था। कार्टून नेटवर्क ने पहले कई बार इस तरह के शोज को बनाया था, लेकिन वो सभी फ्लॉप रहे। 1999 में जब इस शो को शुरू किया गया तो शुरुआती 6 महीनों में तो ये कुछ खास नहीं कर सका, लेकिन इसके बाद साल 2000 में ये शो कार्टून नेटवर्क का उस साल का सेकेंड मोस्ट वॉच्ड शो रहा। इसमें लीड रोल में करेज नाम का एक डॉग होता है, जिसकी म्यूरियल बैग नाम की एक मालकिन होती है, जो कि उस डॉग को बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं। लेकिन उस महिला का पति यूस्टिस बैग उस डॉग से बहुत नफरत करता है और उसे लगातार परेशान करता रहता है। ये शो सन 1999 से लेकर 2002 तक काफी चला और अपनी यूनिक स्टोरी लाइन की वजह से सुपरहिट भी रहा। बेंटन। दोस्तों, इस कार्टून को 2005 में तब रिलीज किया गया था जब कार्टून नेटवर्क के सभी कार्टून एक के बाद एक फ्लॉप साबित हो रहे थे, लेकिन बेंटन ने अकेले ही कार्टून नेटवर्क को फिर से एक बार फ्रंट फुट पे लाकर खड़ा कर दिया था। इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। इसमें बेन नाम का एक कैरेक्टर था जिसके हाथ में एक ओमनीट्रिक्स नाम का इक्विपमेंट होता है, जिससे वो 10 अलग अलग तरह के एलियन क्रीचर्स का रूप ले सकता है, जिन सभी के पास अलग अलग तरह के पावर्स होते हैं। ये सभी उसे उसके दुश्मन एलियंस से लड़ने में मदद करते हैं। ये कार्टून अभी भी कई कंट्रीज में सक्सेसफुली चल रहा है। द पावरपफ गर्ल्स। दोस्तों, ये एक सुपर हीरो एनिमेटेड शो था जिसमें ब्लॉसम, बबल्स और बटरकप नाम की तीन लड़कियां होते हैं, जो एक ऑस्ट्रेलिया की टाउन्सविल सिटी में रहते हैं, जो कि पूरी तरह से फिक्शनल है, जहां उन्हें क्रिमिनल्स और एनिमीज का सामना करना होता है, जिनके अंदर अलग अलग तरह की शक्तियां होते हैं। इनके साथ ही इन तीनों गर्ल्स को मोजो जोजो का भी सामना करना होता है, जो उनका कट्टर दुश्मन है, और ये तीनों लड़कियां अपनी शक्तियों से अपने सभी फिक्शनल एनिमीज का सामना करते हैं और उन्हें हराते हैं। ये कार्टून 1998 से लेकर 2005 तक चला, जिसे किड्स ने काफी पसंद किया। रिच रिच। दोस्तों, ये वही कार्टून है जिसको रेटिंग्स तो काफी कम मिले थे, लेकिन ये बच्चों को इतना पसंद आया कि इसके खराब रिव्यूज के बाद भी इसके मेकर्स को इसे कंटिन्यू करना पड़ा, जिसके बाद इसने अपने दौर में टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। इसमें रिची नाम का एक लड़का होता है जिसकी फैमिली काफी अमीर होती है। उसके पास क्विंटल के हिसाब से सोना होता है। उसका एक डॉलर नाम का डॉग होता है जिसके दिमाग में हर बार कोई ना कोई खुराफाती आइडिया आता ही रहता है, जिसकी वजह से वो अपने मालिक रिची को मुसीबत में डाल देता है। हालांकि रिची की ऑटोमेटिक फीमेल रोबोट आयरोना उसे सारी मुसीबतों से निकाल देते हैं। सन 2000 के दौरान इसे ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज देखा करते थे और खासकर उनके बच्चों को इस कार्टून की यूनिक और सरप्राइजिंग स्टोरी हमेशा बांधे रखते थे। एड एड एंड एडे। दोस्तों, बचपन में इस कार्टून को भी आपने एक ना एक बार जरूर देखा होगा। ये वही कार्टून है जिसमें तीन लड़के हुआ करते थे, जो अपनी उल्टी सीधी हरकतों से हमेशा बच्चों को हंसाया करते थे। ये तीनों एक फिक्शनल सिटी में रहते हैं, जहां पर ये तीनों पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। इन तीनों में से एडी का दिमाग सबसे खुराफाती होता है, जो अपने बच्चों और अन्य बच्चों को भी लगातार परेशान करता रहता है। लेकिन ये तीनों कभी भी अपने किसी भी काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाते थे, जो कि इस कार्टून की मेन स्टोरी लाइन थे। स्वॉट कैट्स एंड रेडिकल स्क्वाड्रन। दोस्तों, इस कार्टून को आप शायद बहादुर बिल्ले के नाम से जानते होंगे। ये एक सुपर हीरो शो था जिसमें एक ऐसी फिक्शनल सिटी दिखाई गई थी जहाँ सारी बिल्लियां इंसानों की तरह रहती हैं, जहाँ कोई ना कोई बिल्ली दूसरे लोगों के लिए मुसीबत बनकर आते और पूरे शहर में चोरियां और डकैतियां करते हैं, जिसको रोकने के लिए बहादुर बिल्ले आते हैं और अपने मैग्निफिसेंट गैजेट्स से हर बार अपनी सिटी को बचा लेते हैं। टॉम एंड जेरी। दोस्तों, शायद हमें आपको इसकी कहानी को बताने की जरूरत नहीं होगी, इसके बारे में आप काफी अच्छे से जानते होंगे। ये कॉमेडी शो था जिसमें टॉम जेरी को पकड़ने के लिए नए नए जुगाड़ लगाता है, लेकिन वो अपने किसी भी जुगाड़ में कामयाब नहीं हो पाता। ये शो 90s का एक ब्लॉकबस्टर शो था, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ बदलाव हुए जिसके बाद इसकी टीआरपी लगातार गिरने लगे। हालांकि कई कंट्रीज में ये आज भी चल रहा है, लेकिन अब इसके रेटिंग्स काफी घट चुके हैं। तो दोस्तों, ये हैं कार्टून नेटवर्क के कुछ भूले बिसरे यादें। इन सब में से आपका सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा था, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नीचे कॉमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखे। अगर ज्यादा कॉमेंट्स आएंगे तो हम इसका पार्ट 2 आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। और हाँ, एंड में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।